हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी तनाव मुक्त रहना चाहते हैं? क्या आप भी एक खुशनुमा जिंदगी जीना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं? तो बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि मैम, आप अपनी हर वीडियो में ऐसा बोलते हैं कि आप नेचर के पास जाइए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, तो ऐसा क्या है नेचर में कि मैं तनाव मुक्त रह सकता हूं? तो आज जानते हैं मेरी इस वीडियो के द्वारा कि कैसे आपकी हॉबी ऑफ गार्डनिंग और आपका मेंटल हेल्थ कैसे इंप्रूव हो सकता है, उन दोनों में क्या लिंक है। सबसे पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर हम बात करेंगे कि कैसे नेचुरली आप अपने स्ट्रेस से निकल पाएंगे। बहुत से लोग हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं और मैं उनको बहुत सारे सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन हमेशा ये देती हूँ कि नेचर के पास जाएं, सुबह उठें, अपना लाइफस्टाइल बदलें, थोड़ा सा वॉक करें। शायद मेरा वॉक पे कहने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको रोज सुबह पार्क के 10 चक्कर काटने हैं। मेरा वॉक पे कहने का मतलब होता है नेचर से, हमारे ऑरा से। अगर आप अपने तनाव से, टेंशन से नेचुरली निकलना चाहते हैं तो आपको नेचर से प्यार करना पड़ेगा। पत्ते हैं, फूल है, इन्वायरमेंट है, चलती हुई हवा है, बच्चों का खिलखिलाना है। अगर आप अपने तनाव से निकलना चाहते हैं नेचुरली, तो सुबह उठ के पार्क जाएं। पार्क जाने का पर्पस चक्कर काटना नहीं है, पार्क जाने का मतलब है उन प्यारे से फूलों को खिलते हुए देखें, नेचर को एंजॉय करें। जब वो छोटी छोटी मूवमेंट्स आपके अंदर इतनी खुशी, इतनी पॉजिटिविटी पैदा करेंगी कि आपको दुनिया की किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां मैं बात कर रही हूँ भगवान की या स्पिरिचुअल पावर की, तो पहले के टाइम पे पेड़ों को भगवान माना जाता था। आप एक दिन एक पेड़ के पास जाएं, उससे अपने दिल की बात शेयर करने की कोशिश करें। देखिए उसके खुलते हुए पत्ते, उसके फूलों की सुगंध, बहुत सारी चीजें हमें इतने प्यारे प्यारे मैसेज देती है, इतना प्यारा रिलेशन देती है कि आपको उस पेड़ से प्यार होने लगेगा। आपका रोज मन करेगा कि मैं उसके पास जाऊं, अपनी दिल की बात शेयर करूं। चिड़ियों का चहचहाना, लोगों का बात करना, हो सकता है कोई बच्चा खेलने आया हो अपने माँ बाप के साथ और वो उनसे प्यार भरी बातें कर रहा हो, मुस्कुरा रहा हो, ये सारी चीजें इतना ज्यादा दिल को छूती है कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम से, सारी टेंशन से मुस्कुराते हुए बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही आपके चेहरे पे वो मुस्कुराहट आती है, आपकी सारी टेंशनें दम दबा के भाग जाती हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि कैसे मुस्कुराएं, तो आपके पास एक और हॉबी है जिसे हम कहते हैं गार्डनिंग करना, पार्क जाना, मुस्कुराना। तो अपनी इस हॉबी को हमेशा के लिए अपने अंदर जीवित रखें, पार्क जाए, इन्वायरमेंट से जाए, नेचर पे जाए। यूजली हम ऐसे भी बोलते हैं कि आप डिप्रेशन में है तो अपना जगह बदलें, और जगह बदलने के लिए लोग कहाँ जाते हैं, नेचर के पास जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, बीचेस पे जाते हैं। यही वो नेचुरल इन्वायरमेंट है जो आपने अपने अंदर जागृत रखना है, उस पे जाना है, मुस्कुराना है, खिलखिला के हंसना है। देखिए आपकी सारी प्रॉब्लम्स कैसे छूमंतर हो जाती हैं। तो नेचर से प्यार करिए, खुद से प्यार करिए, भगवान के दिए हुए इस एनवायरनमेंट से प्यार बनाए रखिए। और आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, थोड़ा सा प्यार मुझसे भी बनाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो मैं डॉक्टर नेहा मेहता, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप मुझसे बात करिए। लेकिन सबसे पहले भगवान द्वारा दिए गए इस प्यारे प्यारे नेचर को, पत्तियों को, फूलों को, बच्चों को, बीचेस को, सबको प्रेम करिए। देखिए आपकी टेंशन अपने आप चली जाएंगी।